हेलो दोस्तों, तो ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है जो हमने इसका एक पोर्शन एक पार्ट जो है वो कल अपलोड कर दिया था। आई होप कि सबने देख लिया है। तो आज आपका हैप्पी न्यू ईयर है, आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन आपको तो न्यूज़ पता ही चल गई कि UPPCS ने अपने फॉर्म को, जो फॉर्म भरने की डेट है या फॉर्म है वो बता दिया आपने वेबसाइट में या न्यूज़ के माध्यम से तो देख ही लिया होगा। तो आप तैयारी को ना बहुत रफ्तार दे दीजिए। रफ्तार का मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम से रफ्तार से निकल जाए और पूरा सर के ऊपर से निकल जाए। कहने का मतलब ये है कि सीसेट के पोर्शन को आप टाइम देना शुरू कर दीजिए। जिस किसी का भी लग रहा है कि कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि अब 2 महीने हैं उसमें बहुत अच्छे से सीसेट आपका हो जाएगा। PYQ भी आपको कर लेने चाहिए, है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RO का तो फरवरी में है ही एग्ज़ाम, लेकिन PCS भी आपको अब बैठना नहीं है, बहुत तेज़ तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय किस प्रकार उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कोई पैसा कमाने वाली गतिविधि, बी कोई भी श्रम साध्य गतिविधि, सी कोई भी लाभ कमाने वाली गतिविधि, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय किस प्रकार उत्पन्न होती है ना। तो देखते हैं, जनरेट होती है ना, क्रिएट तो खुद से करना पर जनरेट होती है। तो सकल राष्ट्रीय आय को GDP, सकल घरेलू उत्पाद, उस विशेष देश के आर्थिक क्षेत्र पर उत्पादन गतिविधियों से उत्पन्न आय के साथ साथ विदेश में देश के नागरिकों के वेतन, संपत्ति से, आयकर और सब्सिडी से शुद्ध प्राप्तियां घटाकर परिभाषित किया गया है। जब इसको आपको इकोनॉमी पढ़ाते होंगे तो वो लोग खुद ही बताते होंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर है, कोई इसमें बहुत ऐसी ट्रिक नहीं है जो ना आए, पर जब पढ़ाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि राष्ट्रीय आय को हम किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर जो हमारा है वो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, या डी वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की बात हो रही है तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, जो मुद्रा आपूर्ति भारत के शीर्ष बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शासित या नियंत्रित होती है। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछते हैं, है ना। हमें लगता है कि पर्सनली किसी फसल के बारे में क्या ही पूछेंगे, लेकिन जब MSP निर्धारित होता है तो जरूर क्वेश्चन बनता है। देखिए, ऑप्शन ए 2015 रुपये प्रति क्विंटल, बी 1915 रुपये प्रति क्विंटल, सी 2115 रुपये प्रति क्विंटल, या डी 2075 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, क्या निर्धारित किया गया है। तो रबी विपणन वर्ष जो 2022-23 में था वो 2015 रुपये निर्धारित किया गया था क्विंटल, प्रति क्विंटल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिकाओं के प्रति आम जन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को कितनी धनराशि से लाभान्वित किया जाता जा रहा है। ऑप्शन ए 25,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 20,000 रुपये, या डी 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, स्पेशली यूपी की योजना से। तो आंसर देख लेते हैं। बालिकाओं के प्रति आम जन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अल्पकालिक वाणिज्यिक उधार, बी गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां, सी निवेश आय, या डी भुगतान स्थानांतरण। कह रहे हैं कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि जैसे एक तिमाही या एक वर्ष में एक देश और शेष विश्व की संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण होता है। जैसे 3 महीने में किस देश से कितनी आय आई, जो लोग विदेशों में रहते हैं और पैसे भेजते हैं अपने घर में, तो रेमिटेंस उसमें से सरकार को मिलता है। तो कितना आया, कितना गया, भारत से कितना बाहर गया, वो सबका विवरण रहता है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन लेन देन को दो खातों में विभाजित करता है, चालू खाता और पूंजी खाता। कभी कभी पूंजी खाते को वित्तीय खाता भी कहा जाता है, और जिसमें एक अलग, आमतौर पर बहुत छोटा पूंजी खाता अलग से सूचीबद्ध होता है। वो इकोनॉमी की भाषा है, उसी तरीके से वो लोग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसमें गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां जो होती हैं ये इसमें शामिल नहीं की जाती हैं। ठीक है, संकीर्ण रूप से परिभाषित इसमें केवल वित्तीय साधनों में लेन देन शामिल है, चालू खाता राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल है। ठीक है, जबकि पूंजी खाता नहीं शामिल है।
तो जो भी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है कि गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती हैं। देखिए तीन टेस्ट सीरीज को मैंने खुद से नहीं, मुझे कई सारे सीनियर्स ने जब मैंने देखा तो वो लोग बताते थे कि अच्छी रहती है। तो देखिए मैंने जीएस वर्ड, दृष्टि और धेआईएस की टेस्ट सीरीज को ज़्यादातर फॉलो किया है। तो कई बार ना ये लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर में जनवरी को फरवरी या फरवरी को जनवरी वाली योजना में नाम ना मिसप्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आप सबको टेलीग्राम पे इसलिए मैसेज भी कर दिया था कि एक क्वेश्चन का ना जो आंसर है वो उसका मंथ गलत प्रिंट था, वो आपकी यूपी इन्वेस्टर समिट के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये पढ़ाते हैं या ये जो बताते हैं, पढ़ाते तो खैर क्या है, ये तो कंटेंट है दूसरे का, तो हम जब इसे बताते हैं तो कई बार हमारे नज़रों के सामने से क्वेश्चन निकल जाता है और हमको याद नहीं रहता या हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, ह्यूमन एरर कह सकते हैं। तो उसमें देखिए वो आंसर थोड़ा सा ना मंथ के हिसाब से गलत प्रिंट था। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरी हमेशा यही मेरा यही ध्येय रहता है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं फिर से आप सबसे सॉरी बोलती हूँ कि कई बार कुछ कुछ क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट होता है और हम वही बता भी देते हैं। तो अगर कोई ऐसा मैसेज होगा तो मैं टेलीग्राम पे इसीलिए डाल देती हूँ ताकि आप लोग उस पर जान जाए, अवेयर हो जाए। तो आप आई होप कि आपने वो आंसर चेंज कर लिया होगा। फिर मैंने गूगल करके देखा तो मुझे आंसर मिल गया था। ठीक है, तो है तो कोचिंग की गलती पर, क्योंकि मैं भी बता रही थी, एक जिम्मेदारी रहती, तो मैं फिर भी ध्यान दूंगी, देती भी हूँ, पर कई बार हो ही जाता है कि गलती हो जाती है। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, बी प्राथमिक और माध्यमिक, सी बुनियादी और उपभोक्ता, डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, है ना, वर्गीकरण कौन सा है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, आपको पता है ये कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादों को अपने मूल कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए सूती और जूट वस्त्र, चीनी, खाद प्रसंस्करण आदि। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कृषि आधारित और खनिज आधारित। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो 56 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा डी नंबर है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी विदेशी देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को कहा जाता है? किसी विदेशी देश में यानी दूसरे देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कूटनीति, बी भेदभाव, सी डंपिंग। या देखिए कह रहे हैं कि डंपिंग एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किया जाता है। आपने इसके पहले 1-2 साल से आप ये शब्द सुनते आ रहे हैं कि चाइना अपने सामान को डंप कर रहा है, चाइना सामान को डंप करता है ना, इस तरीके की बातें सुनते हैं। तो वो यही शब्द है, ठीक है, कि बहुत सारा सामान आप अपना जो, क्योंकि चाइनीज़ सामान बहुत सस्ता होता है, वो ला के यहाँ इकट्ठा पटक देते हैं, डंप कर देते हैं। अब इंडिया का सामान उसके मुकाबले कम्पीट नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा महंगा कॉस्टली पड़ता है ना, तो ये लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये इकोनॉमी की भाषा है, डंप डंप करना तो बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यह तब होता है जब कोई देश या कंपनी किसी उत्पाद को ऐसी कीमत पर निर्यात करती है जो निर्यातक के घरेलू बाज़ार की कीमत से विदेशी आयात बाज़ार में कम होती है। ठीक है, तो क्योंकि डंपिंग में आमतौर पर किसी उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में निर्यात शामिल होता है, यह अक्सर आयात करने वाले देश में उत्पाद के निर्माताओं या उत्पादकों की वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डालता है। ये उसी की बात है कि अपनी सामान को सस्ता करके यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा करके डाल देना, तो जब ऑब्वियसली ये जब हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो चाहे वो इंडिया की बनी हुई है, चाइना की, हम फिर थोड़ा कई बार हमारा बजट नहीं होता तो हम सस्ती चीज़ लेना प्रेफर करते हैं ना, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आय के उच्च स्तर के साथ कर की दर बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए अनुपातिक कर, बी प्रगतिशील कर, सी एकमुश्त कर, या डी प्रतिगामी कर। यदि आय के उच्च स्तर के साथ कर की दर बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाएगा? समझिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर औसत कर दर भुगतान किया गया व्यक्ति आय बढ़ जाती है। ठीक है, तो शब्द प्रगतिशील से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे कर की दर निम्न से उच्च की हो जाती है। जैसे अब किसी की आय बढ़ रही है तो उसके साथ में कर भी साथ साथ बढ़ रहा है ना, तो सरकार के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो वही कह रहे हैं कि उच्च दर की ओर बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप करदाता की औसत कर दर व्यक्ति की सीमांत कर दर से कम होती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगतिशील कर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक के सर पढ़ाते हैं जब तो बताते हैं।
कि एक आम आदमी में और अंबानी जी की आय में कितना फ़र्क है, तो फिर उनका कर कितना लगना चाहिए, इस तरीके से या कोई और एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कुल आय, बी कुल मांग, सी कुल बचत या डी कुल उत्पादन। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण वो बचत पर निर्भर करता है, अतः किसी अर्थव्यवस्था की बचत जितनी अधिक होगी पूंजी निर्माण उतना ही अधिक होगा। सीधी सी बात है कि आय आपके घर में आ रही है 2,000 रुपये महीने, अब आप उसमें से 200 रुपये हर महीने बचा रहे हो, तो आपके एक तरीके से पैसे बच रहे हैं। उन बचाए हुए पैसों को आप दाल के डब्बे में या चावल के डब्बे में मत रखिए। जब भी आप पैसे बचाएं, जितनी भी लड़कियां हैं या जो भी बचाता हो, जेंडर वाइज कोई बात नहीं है, बचाता है, तो उसको आप कहीं लगाइए, और ऐसी जगह लगाइए कि अगर आप 1,000 एक महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, किसी को उधार इस तरीके से मत दीजिए कि हाँ काम चल रहा है, तो उससे क्या पूंजी निर्माण हो रहा है, आपकी मंथली इनकम आ रही है, खर्चे से आपने 200 रुपये बचा दिए, हर महीने बचाते गए तो 12 महीने में 24 रुपये हो गए, और आप चाहे तो मंथली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो, तो जो आपने इन्वेस्ट किया उससे भी पैसा आ रहा है। पहले तो आपने इनकम से पैसे बचाए, वो आपके पास पूंजी के रूप में हो गए, उसी पूंजी को कहीं लगा दिया तो उससे भी आपके पैसे आ रहे हैं, तो ऐसे ही तो पूंजी निर्माण होगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो आंसर इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी कुल बचत, जो बचत होगी उसी से तो आप पूंजी निर्माण करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन श्रम की आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता है? ऑप्शन है जनसंख्या का आकार और आयु संरचना, बी कार्य के प्रकृति, सी श्रम की सीमांत तो उत्पादकता या डी कार्य अवकाश अनुपात। ठीक है, नहीं करता है ये यहाँ पे पूछा गया है। श्रम की आपूर्ति उस मात्रा और दर से संबंधित है जिस पर मजदूर काम करने के लिए तैयार है। रीस के अनुसार निम्नलिखित चार कारक है जो श्रम की आपूर्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए श्रम बल के रूप में भागीदारी दर, बी श्रमिकों द्वारा काम करने के इच्छुक घंटों की संख्या, थर्ड कार्य की गति या तीव्रता, फोर्थ कार्य की दक्षता या कौशल। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी श्रम की सीमांत तो उत्पादकता। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में समुद्री जल, ताजी हवा आदि को माना जाता है? ऑप्शन ए गिफिन माल, बी घटिया माल, सी मुफ्त माल या डी सामान्य माल। ठीक है, तो मुफ्त वस्तु वह वस्तु होती है जो दुर्लभ नहीं है और इसलिए बिना किसी सीमा के उपलब्ध है। एक निःशुल्क वस्तु समाज के लिए शून्य अवसर लागत के साथ वांछित मात्रा में उपलब्ध होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी मुफ्त माल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि यह अवधारणा कि मुक्त उद्यम की प्रणाली के तहत यह उपभोक्ता ही है जो यह तय करते हैं कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में किया जाएगा, निम्नलिखित में से किसके तहत शामिल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण, बी उपभोक्ता का निर्णय, सी उपभोक्ता प्राथमिकता या डी उपभोक्ता संप्रभुता। तो कह रहे हैं किसके तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता संप्रभुता एक आर्थिक अवधारणा है जहां उपभोक्ता के पास उत्पादित वस्तुओं पर कुछ नियंत्रण शक्ति होती है और यह विचार है कि उपभोक्ता अपने कल्याण का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक सोच के अनुसार घटते प्रतिफल का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए कृषि, बी उद्योग, सी खनन या डी उत्पादन सभी क्षेत्र। ठीक है, उत्पादन के सभी क्षेत्र, सॉरी इकोनॉमी की भाषा है। आधुनिक सोच के अनुसार घटते प्रतिफल का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? घटते प्रतिफल की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए कह रहे हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र में हासमैन प्रतिफल उत्पादन प्रक्रिया के सीमांत यानी वृद्धिशील उत्पादन में कमी है, क्योंकि उत्पादन के एक कारक की मात्रा में वृद्धि होती है जबकि उत्पादन के अन्य सभी कारकों की मात्रा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उत्पादन के सभी क्षेत्र। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा उत्पादन के सभी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति होती है। ऑप्शन ए कुल मांग से अधिक, बी कुल मांग से कम, सी कुल मांग के बराबर या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये दोनों तो आपके नहीं होंगे, ये अच्छे से जान लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन को देख के ऑप्शन को गेस करना। रह गए ए और बी, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपको पता है मुद्रास्फीति या मूल्य मुद्रास्फीति उपलब्ध वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य स्तर में एक सामान्य वृद्धि है जिसके परिणाम स्वरूप एक समयावधि में
अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति में पर्याप्त और निरंतर गिरावट आती है। तो इस तरीके से आंसर बी हो जाएगा, कुल मांग से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जब किसी देश में बड़ी संख्या में निवेशक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निवेश को अन्यत्र स्थानांतरित कर देते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पूंजी का हस्तांतरण, बी पूंजी का पलायन, सी पूंजी का बहिर्वाह, या डी पूंजी की उड़ान। है ना, क्योंकि जहां उन्हें निवेश करना था वहां उन्होंने नहीं किया, या स्थिति खराब होने के कारण, तो अब वो निवेश चला गया दूसरी जगह है, तो उसको कहेंगे क्या? क्योंकि ये सभी रूप हैं कि, है ना, आपने सुनी लिया, तो इसको देख लेते हैं क्या कहेंगे। ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में पूंजी का पलायन तब होता है जब किसी आर्थिक परिणाम की घटना के कारण या आर्थिक वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति या धन तेजी से देश से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो बाहर चला जाता है तो उसे पलायन कहते हैं। ऐसी घटना में पूंजी या पूंजी धारकों पर करों में वृद्धि हो सकती है या देश की सरकार अपने ऋण पर चूक कर सकती है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूंजी का पलायन। ठीक, नेक्स्ट है कि बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए साख बढ़ेगी, बी ऋण में वृद्धि नहीं होगी, सी क्रेडिट कम हो जाएगा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना सिंपल है, बैंक दर वो दर होती है जिसमें आरबीआई अपनी जो बैंकें होती हैं उनको उस रेट पर उधार देता है पैसा बैंकों को। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक दर। अब ये कह रहे हैं उसी बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कम दर पर बैंक आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, तो बैंक क्या करेंगे, यदि बैंक दर बढ़ती है तो ऋण की उपलब्धता या धन आपूर्ति कम हो जाएगी। वहीं पर बैंक दर जब कम होती है तो ऋण की उपलब्धता या धन की आपूर्ति अधिक हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, साख बढ़ेगी। मैं आपको मोटा मोटा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था। देखिए बैंक दर बढ़ती है मतलब आरबीआई अगर 4% पे बैंकों को पैसा देता है, तो अगर उसने बढ़ाया बैंक दर 6% पे देगा तो बैंक कम पैसा लेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं मेरे यहाँ ज़्यादा कोई आ नहीं रहा लेने तो मुझे नहीं चाहिए। और अगर वही बैंक दर 4% की जगह 3% पे आरबीआई देगा पैसा बैंकों को, तो बैंक बहुत सारा पैसा लेंगे। और फिर आप देखते हो ना कैंप लगा के लोन बांटते हैं कि आप होम लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, क्योंकि बैंक से जो आरबीआई से मिल रहा है वो कम दर पे पैसे मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा इधर बांटेंगे। और यहाँ तो कम करते नहीं ना, आम आदमी को तो वही ब्याज लगाते हैं ना, 14% 12% लिखे रहते हैं 9%, लेकिन 12 13 14 जितना पा जाते हैं उतना लगाते हैं। ये इनका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, वही उसने वहाँ पर कहा है। ठीक है, आंसर को आप पढ़ोगे एक बार तो फिर समझ में आ जाएगा, इकोनॉमी की भाषा है पर समझ में आ जाएगा, या फिर जिसने बैंकिंग बैंकिंग में ये बताई जाती हैं चीज़ें तो थोड़ा सा आ जाता है समझ में जल्दी। ऐसा नहीं कि अभी जो पढ़ रहा है उसको नहीं आएगा, आएगा, पर उनको जल्दी आ जाता है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरकार द्वारा टर्मिनेटर बीज के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। ठीक है, टर्मिनेटर बीज की बात हो रही है। ऑप्शन ए एक ऐसे वायरस को रोकना जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर सकता है, बी ये बीज बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, सी ये बीज मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या डी इन बीजों में आगे प्रजनन को रोकने के लिए अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किए गए हैं गुण होते हैं। देखिए ऑप्शन ए है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, बी केंद्र सरकार द्वारा सीमाओं और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, डी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना, या डी अनुसूचित बैंकों द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना। ठीक है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका तात्पर्य आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को विनियमित करना होता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है और सीधे जनता से व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही कह रहे क्या तात्पर्य है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका हो जाएगा ए, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपने बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा होगा, जो नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, जैसे ये आरबीआई है और ये बैंकें हैं। ठीक है, अब आरबीआई को ये लग रहा है कि ये बैंकें बहुत लोन बांट रही हैं, बिना मतलब का भी बांट रही हैं और बहुत सस्ते दामों पे दे रही हैं, तो मार्केट में पैसा खूब सारा सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई ऐसी चीज़ें देखता रहता है, नज़र बनाए रखता है। आरबीआई फिर क्या करता है, इन बैंकों से जो इनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं एकत्र हो जाते हैं या इनके पास गोल्ड वगैरह हो जाता है, तो ये आरबीआई इनसे ले लेता है। तो इनके पास एक लिमिट में पैसा रहता है, फिर ये एक लिमिट में देते हैं, तो क्योंकि आरबीआई का इन पकड़ होती है, आरबीआई पकड़ रखता है बैंकों के ऊपर, अपनी कमांड बनाए रखता है, तो ये
जो आरबीआई ये जो काम करता है, जिसके माध्यम से करता है, उसे बोलते हैं ओएमओ। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में कि लिक्विडिटी को सोख लेता है आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजित वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अतिरिक्त कराधान, बी घरेलू निजी बचत, सी है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से लाभ, या डी है वर्तमान राजस्व का संतुलन, ठीक है। तो नियोजित वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत के बारे में बात किया जा रही है यहाँ पर, तो वो हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी निर्वाचन आयोग, सी योजना आयोग, या डी वित्त आयोग, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णय कौन करता है? बहुत अच्छे से पता है, तो आयोग के आंसर भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी बात कर लेते हैं। वित्त आयोग की जो स्थापना है वो भारत में वो सॉरी भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1951 यानी 1951 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 280 के तहत की गई थी। इसका गठन भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। अभी आज ही के दिन वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं, आपको पता है, जो बनाए गए हैं, सॉरी बदले नहीं गए हैं, बनाए गए हैं। कौन है जरूर बताइएगा, आज ही करंट में आपको न्यूज़ मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? ऑप्शन ए यूटीआई, बी एसएफसी, सी आईसीआईसीआई, या डी नाबार्ड। यहाँ कह रहे कि कौन सा एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है, ठीक है। देखिए नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का एक विकास बैंक है, और जो नाबार्ड की स्थापना हुई है वो आपकी वर्ष 1982 में बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए की गई थी। तो जो नाबार्ड है, हालांकि आपको लग नहीं सकता क्योंकि काम इसका काफी वैसा ही है, पर क्योंकि ये ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण हुआ था या इसका इसकी स्थापना की गई थी, तो 72 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बी सीमा शुल्क, डी आयकर, या डी धनकर, ठीक है। सी आयकर या डी धनकर, कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है? देखिए केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, आयकर कारपोरेट और गैर कारपोरेट संयुक्त। भारत के कर राजस्व में लगभग 56% का योगदान देता है, क्या देता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, बी उत्पाद शुल्क, सी निगमित कर, या डी कृषि आयकर, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो कृषि आय को कराधान से छूट दी गई है और इसमें कुल आय में शामिल नहीं किया गया है। तो पता है आपको कृषि पर कोई आय उस तरीके का टैक्स नहीं लगता है ना, जिस तरीके से और सभी चीज़ों में लगता है उस तरीके से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य स्थिरता, बी पूर्ण रोजगार, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, या डी धन और आय का समान वितरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, उद्देश्य नहीं है। देखिए बात हो रही है कि राजकोषीय नीति का जो प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना है और उसे बनाए रखना है, जिसके तहत मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और धन तथा आय का समान वितरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता देना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ठीक है, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए स्टील उद्योग, बी पर्यटन उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, या डी खेल सामग्री उद्योग, ठीक है। तो भारत में जो पूंजी की बात हो रही है, पूंजी गहन उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण इस्पात उद्योग है, और पूंजी गहन उद्योग से तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील उद्योग, ठीक है, अच्छा उदाहरण है, कह रहे हैं अच्छा उदाहरण तो स्टील उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए किराया, बी पेंशन, सी मिश्रित आय, या डी अवितरित लाभ। कह रहे हैं कि
जब राष्ट्रीय आय का आकलन होता है तो उसमें कौन सी चीज नहीं शामिल की जाती है, कौन सा मद नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल है, और उत्पादक गतिविधियों से अर्जित सभी आय राष्ट्रीय उत्पादक गतिविधियों से, हाँ, सभी अर्जित आय में शामिल की जाती है। अनुत्पादक गतिविधियों से अर्जित आय इसमें शामिल नहीं की जाती, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 77 का बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। खैर, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए पूंजीगत लाभ, बी अंतरण अदायगी, सी विदेश से शुद्ध विदेशी आय, या डी पूंजीगत उपभोग भत्ता। ठीक है, कल इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसी टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच जो मुख्य अंतर है वो विदेश से शुद्ध विदेशी आय हो जाएगी। तो सी आंसर है, विदेश से शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, आई होप आंसर आप अंतर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पूंजी और मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए मुद्रा बाजार 364 दिनों तक की अवधि के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि पूंजी बाजार 364 दिनों से ऊपर की अवधि के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या ये दोनों जो कथन कह रहे हैं अपने आप में सही है या गलत है, इनको चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम आंसर की बात कर रहे हैं तो आई होप कि आपने अपने स्तर से इसका आंसर चेक किया होगा। और आपका क्या आंसर आया है? आज हर अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों के दो अलग अलग खंड हैं। एक अल्पकालिक निधियों की आवश्यकता को पूरा करता है, दूसरा दीर्घकालिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि मुद्रा बाजार 364 दिनों की अवधि के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करता, और ये उसी कथन को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि ये उसके ऊपर की अवधि के लिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी कि ए और बी, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके कथन सही है। तो आई होप आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार में व्यापार दर पर किया जाता है जिसे छूट दर के रूप में जाना जाता है, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए रेपो रेट, रेपो दर, बी खुला बाजार परिचालन, सी सीमांत स्थायी सुविधा, या डी वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। मुद्रा बाजार में जो व्यापार एक दर पर किया जाता है ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो मुद्रा बाजार किसी अर्थव्यवस्था का अल्पकालिक वित्तीय बाजार है, और इस बाजार में धन का व्यापार व्यक्तियों या समूहों जैसे वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार, कंपनियां आदि के बीच किया जाता है। ठीक है, तो जिनके पास या तो नकदी अधिशेष या नकदी की कमी है, व्यापार एक दर पर किया जाता है और जिसे छूट दर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेपो दर। ठीक है, ऑप्शन ए रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की आवश्यकताओं को रेखांकित किया और नींव रखी? ठीक है, ऑप्शन ए चक्रवर्ती समिति और वाहुल समिति, बी नरसिम्हन समिति और वाहुल समिति, सी नरसिम्हन समिति और चक्रवर्ती समिति, या डी नरसिम्हन समिति और सोम समिति। तो शायद इन समिति का नाम आप में से किसी ने सुना हो, तो आप पहले आंसर दीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो ये बात कर रहे हैं, तो भारत में आपके मुद्रा बाजार का संगठित स्वरूप लगभग 3 दशक पुराना है। हालांकि इसकी उपस्थिति तो रही है लेकिन केवल सरकार तक ही सीमित है। तो ये कह रहे हैं कि यह चक्रवर्ती समिति 1985 थी जिसने पहली बार देश में एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकताओं को रेखांकित किया, और वाहुल समिति 1987 ने इसके विकास का खाका तैयार किया, यानी दोनों दोनों समिति ने मिलकर ये काम किया। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, चक्रवर्ती समिति और वाहुल समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी, कायस और चेटियार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शेयर दलाल, बी स्वदेशी बैंकर, सी शेयर बाजार के रक्षक, या डी पुदीना उत्पादन एजेंट। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि मारवाड़ी, कायस और चेटियार शब्द किससे संबंधित है। तो ये आपके स्वदेशी बैंकर, यानी कि स्वदेशी बैंकर से संबंधित है। ठीक है, और स्वदेशी बैंकर क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जो स्वदेशी बैंकर होते हैं किसी व्यक्ति या निजी फर्म की हैसियत से जमा प्राप्त करते हैं और धन उधार देते हैं। मूल रूप से देश में 4 ऐसे बैंकर हैं जो गैर सजातीय समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन है गुजराती सराफ, वे मुंबई, कोलकाता के साथ साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और बंदरगाह शहरों में काम करते हैं। इसी तरीके से और नंबर दिए, आप जरूर पढ़ लेना अच्छे से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वरना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि उत्पादन कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आउटपुट की लागत, बी इनपुट की लागत, सी इनपुट से आउटपुट, या डी मुनाफे के लिए वेतन स्तर। ठीक है, उत्पादन कार्य के बारे में बात हो रही है। देखिए कहते हैं अर्थशास्त्र में एक उत्पादन फलन भौतिक इनपुट की मात्रा और माल के उत्पादन की मात्रा के बीच तकनीकी संबंध बताता है, अतः यह इनपुट से आउटपुट को संदर्भित करता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इनपुट से आउटपुट। थोड़ी इकोनॉमी की भाषा है, जल्दी समझ में नहीं आती है। मैंने पहले ही बताया कि अलग तरीके से ये बात हो रही है कि एक उत्पादन फलन भौतिक इनपुट है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि CACP किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ऑप्शन है औद्योगिक उत्पाद, बी कृषि उत्पाद, सी फार्मास्यूटिकल उत्पाद, यदि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, CACP की बात हो रही है यहाँ पर। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना 1965 में कृषि मूल आयोग के रूप में की गई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृषि उत्पाद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः किस प्रकार का कर है। ऑप्शन है अपमानजनक कर, बी प्रतिगामी कर, सी प्रगतिशील कर, या डी अनुपातिक कर। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन कल आया था। देखिए कह रहे हैं कि प्रतिगामी कर यह इस प्रकार लगाया जाने वाला कर है कि कर योग्य आय की संख्या बढ़ने पर कर की दर कम हो जाती है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्रतिगामी कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात हो रही है कि अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः किस प्रकार का कर है, तो प्रतिगामी कर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कर की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी निर्वाह स्तर, सी निर्वाह व्यय, या डी प्रति व्यक्ति उत्पादन। ठीक है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय, जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, किसी देश या शहर जैसी आर्थिक इकाई में लोगों की औसत आय है और इसकी गणना कुल आय के सभी स्रोतों जैसे GDP या सकल राष्ट्रीय आय का माप लेकर और इसे कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन ए आयात शुल्क, बी आयकर, सी निर्यात शुल्क, या डी बिक्री कर। ठीक है, तो देखिए आय वाला कर है जो संबंधित आय या मुनाफे के साथ बदलता रहता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आयकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए CRR को केवल नकदी में बनाए रखने की आवश्यकता है। सेकंड ऑप्शन CRR आवश्यकताओं के तहत RBI के पास जो पैसा है उस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा से सही है ये हमें बताना, सॉरी कौन सा से सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, देखो मिस्टेक हो जाती है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड केवल, सॉरी ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो हम CRR के बारे में बात हो रहे कर रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, तो इसको देखते हैं जरा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक या RBI का आदेश है कि बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नकदी के रूप में संग्रहित करे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बैंक के ग्राहकों को दिया जा सके। किसी बैंक की कुल जमा राशि की तुलना में आरक्षित निधि में रखे जाने वाले नकदी के प्रतिशत को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ठीक है, और CRR को तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है कि जो सही नहीं है, कौन सा से सही नहीं है, तो वो यहाँ पर केवल एक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से एंजल का नियम के बीच संबंध को कौन संदर्भित करता है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत, बी मांग की मात्रा और स्थानापन्न की कीमत, सी उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और स्वाद, या डी उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एंजल का नियम के बीच का संदर्भ को कौन संदर्भित करता है, यानी कि इन चारों में से कौन एंजल के नियम को संदर्भित करता है। ठीक है, तो एंजल का नियम अर्थशास्त्र में एक अवलोकन है जो बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च होने वाली आय का अनुपात कम हो जाता है। ठीक है,
क्यों कम हो जाता है, उसके बारे में आप जब डिटेल में इतना पूरा पढ़ेंगे जो दिया गया वहाँ आंसर में, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन है उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के किस प्रतिशत पर लक्षित किया गया है। ऑप्शन ए 4.5%, बी 3.2%, सी 5.9% या डी 6.2%। ठीक है, 2023-24 के बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 5.9% पर लाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5.9, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन का यानी 90 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए कानपुर, बी सहारनपुर, सी ललितपुर या डी औरैया। ठीक है, माता टीला के बारे में बात हो रही है। देखिए जो माता टीला बांध है वो आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, और आपको पता है कि ललितपुर जिला एक ऐसा है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। जब आपने यूपी स्पेशल पढ़ा होगा, वैसे तो बहुत से वीडियो चल ही रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यही जो जिला है ये यूपी का और घिरा हुआ है एमपी से तीनों तरफ से। ठीक है, तो सी ऑप्शन है ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है हरदुआ गंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़, बी परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी, सी। देखिए जो सी है ना, इन्होंने बोला ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ये फरखाबाद में नहीं है, ये आपका भी सोनभद्र में ही है। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये गलत सुमेलित है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना आपका सोनभद्र के जिले ओबरा में स्थित है। ठीक है, ये उस जगह का नाम है, सोनभद्र में ओबरा एक जगह है, वहां का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी। ऑप्शन ए जून 2015, बी जनवरी 2020, सी दिसंबर 2021 में या डी मार्च 2019 में। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा जून 2015 में की गई थी, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जून 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिस्कवर योर रूट्स योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से जुड़े स्थलों की पहचान से, बी भारतीय पूर्वजों के खोज स्थलों की पहचान से, सी सूफीवाद से जुड़े स्थलों की पहचान से या डी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों की पहचान से। ठीक है, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना जो आपकी बात कर रहे हैं, ये भारतीय पूर्वजों के खोज स्थलों की पहचान से है। भारत लगभग 250 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था, और इस अवधि के दौरान कई भारतीय कार्यबल के रूप में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैको, फिजी, मॉरिशस आदि में चले गए थे। लोग यहाँ से जाते थे ना, बंधुआ मजदूरी या कई कई रूपों में लोग जाते थे। तो 21वीं सदी की शुरुआत के बाद अन्य देशों की यात्रा करना अपेक्षाकृत आसान हो गया था, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला। इससे उन लोगों को इस योजना के तहत अपने पूर्वजों की जड़ों की खोज करने का मौका मिला। तो इसी के बारे में है, भारतीय पूर्वजों के खोज स्थलों की पहचान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट सूची फर्स्ट है, ये आपकी सूची सेकंड है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, बी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कानपुर या डी सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। तो इनको कूट की सहायता से सुमेलित करना है। आपको पता है मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन को जो वो यूट्यूब पे लगाते हैं ना क्वेश्चन करके, तो मैंने उसको लगाया था कम्युनिटी पोस्ट पर, है ना, तो कई लोगों ने देखा होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका ये कानपुर में है, A3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है या प्रौद्योगिकी, ये आपका अयोध्या में है, यानी कि B1। ठीक है, A3 B1। तो इसके बाद में आपका आता है सैम हिंगिन बाटम, ठीक है, तो ये आपका है प्रयागराज के नैनी में स्थित है, तो आपका D2 हो गया। तो अब चलो 3 से ही आपका आंसर यहाँ पर आ गया, D2
अब डी टू ए की में है ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं बी वन डी टू, ठीक है, डी टू बी वन और चंद्रशेखर आजाद ए थ्री। तो इस तरीके से आपका आंसर बी यहां पर सही हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। ये यूपीएस स्पेशल का और बहुत ही अच्छा है। तो अगर इस तरीके से आ जाए फाइनल एग्जाम में जो भी होने वाला है तो काफी सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना कब से चलाई जा रही है। ऑप्शन है मार्च 2021 से, बी नवंबर 2022 से, सी जनवरी 2019 से या डी जनवरी 2018 से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के बारे में बात हो रही है, ये आपका है मार्च 2021 से, ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2021 में की गई है। तो ये आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। ऑप्शन है 6, बी 8, सी 11 या डी 12। ये भी क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश में अगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए तो हमेशा बताइएगा कि 6 है। कौन से हैं? अभी आपने ऊपर चार तो देखे ही, चंद्रशेखर आजाद आपका कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद या अयोध्या में है, ठीक है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मोदीपुरम मेरठ में है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, सैम हिंगनबाटन आपका प्रयागराज में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय आपका झांसी में है। तो इस तरीके से आपके 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन है 6, बी 8, सी 11 या डी 4, ठीक है। तो समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है। ऑप्शन है 32.9%, बी 22.05%, सी 19.02% या डी 29.43%, ठीक है। तो कह रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत, वो भी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि पूरे भारत के बारे में, ठीक है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत है वो 29.43% है। ये आपका 2011-12 के दौरान उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या मतलब डिजिट में है जो गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है, 598.19%, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 29.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सेवा के क्षेत्र या सेवाओं के क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी तृतीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि केवल ऑप्शन बता के आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए इकोनॉमी का है, जब तक आप पूरी बात को सही से समझेंगे नहीं तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। मैं उसका आधा अधूरा बताऊंगी जल्दबाजी में कि टाइम ना ज़्यादा लगे, फिर आप उसको पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज कर दे। तो मैं उतना बता रही हूँ जितने से समझ में आ जाए और चीज़ें आप खुद से पढ़ लें। जैसे अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान, ये तो मुझे पता है कि सेवा क्षेत्र, ओह सॉरी मैं बोलती चली गई, शायद उसमें आवाज़ नहीं आई। देखिए मैं ये कह रही थी कि मुझे ये जैसे पता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये बता रहे कि 2022-23 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 56% से अधिक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपकी फिर सूची दी गई है, ये सूची फर्स्ट है उद्योग और ये सूची सेकंड है स्थान। ऑप्शन है इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड प्रयागराज, बी अफीम कारखाना मेरठ, सी भारत स्टील रोलिंग मिल गाजीपुर, डी त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, ये आपका बाराबंकी। अब इसको मिलान करना है सही से कि कौन सही सुमेलित है। देखिए जो आपका इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड है ये आपका बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो आपसे कह रहे हैं कि अफीम कारखाना है ये आपका गाजीपुर में है, ठीक है, अफीम कारखाना ये आपका गाजीपुर में हो जाएगा।
इसके बाद में भारत स्टील रोलिंग मिल की जो बात हो रही है ये आपके मेरठ में हो जाएगा, और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की जो बात हो रही है ये आपके प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मिलान किया, जो मिलान किया गया उसके हिसाब से कोड देखें तो बी एच सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन है कलात्मक संगमरमर उद्योग आगरा, बी कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र मेरठ, सी ब्लैक पॉटरी उद्योग फरुखाबाद, डी कटसल दरी उद्योग सीतापुर। कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ही कह रहे कि सही नहीं है, तो वो आपका ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है वो आपका फरुखाबाद में ना होकर के आजमगढ़ के निजामाबाद में केंद्रित है। ठीक है, तो ये फरुखाबाद जो यहाँ पर दिया गया है ये गलत है, ये आपका हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 2007 लखनऊ में, बी वर्ष 2000 कानपुर में, सी वर्ष 2005 गौतम बुद्ध नगर में, डी वर्ष 2011 गाजियाबाद में। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका वर्ष 2007 लखनऊ में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए किसान पाठशाला योजना, बी किसान उदय योजना, सी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा, या डी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, करंट के क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर आराम से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही जो योजना है वो किसान उदय योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा किसान उदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन है मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017, बी मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना दिसंबर 2017, सी मुख्यमंत्री सुमंगला योजना अक्टूबर 2019, या डी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2016। ठीक है, अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो ये कह रहे हैं कि 2016 है, ये 2016 नहीं है, ये आपका 1 मार्च है, अप्रैल भी नहीं है, 1 मार्च, ठीक है, 2019 को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। ऑप्शन है 5.4%, बी 5.9%, सी 6.5%, या डी 7%। ठीक है, देखिए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक रूप से 6.5% कह रहे हैं कि जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक रूप से 6.5% के आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो 6.5% यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सोने आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित किया गया था। ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, या डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सोने बजट की बात हो रही, तो भारत में जीरो बेस बजटिंग पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना से प्रयोग किया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। किसके लिए इम्पोर्टेंट, तो भारत में सोने आधारित बजट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य बताया है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सी कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 117 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही नहीं है वो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सही है, कोई भी इसमें से असत्य नहीं है। ठीक है, और इन्होंने पूछा कि कौन सा असत्य है, तो डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रहे चिप 4 गठबंधन के सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी ताइवान। ठीक है, सुर्खियों में रहे चिप 4 के बारे में बात हो रही है। देखिए, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के अधिकारियों ने प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आकस्मिकताओं के समय में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 16 फरवरी को चिप 4 गठबंधन के आभासी सम्मेलन में भाग लिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा देश शामिल नहीं है इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। क्यों? क्योंकि कौन से देश हैं? जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये 4 देश हैं, तो चिप 4 बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि द मिस्डर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की एक संधि है। ऑप्शन ए यूक्रेन और रूस, बी चीन और ताइवान, सी भारत और चीन या डी भारत और नेपाल। ठीक है, तो देखिए, महीनों की गहन बातचीत के बाद यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक समझौते का खुलासा किया, जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने बोला है, और यहाँ पर इन्होंने भारत और नेपाल दे दिया है। ये थोड़ा सा जैसे कि उसमें नहीं, अभी हमने जो यूपी इन्वेस्टर क्वेश्चन देखा था उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, मैं इसको ऐसे कट कर देती हूँ। आंसर कुछ और दिया है ऑप्शन में और यहाँ बात कुछ और हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैं गूगल करके चेक कर लूंगी, इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। ऑप्शन है 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 4 मार्च या डी 5 मार्च। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 5 मार्च। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के महासागरीय निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी संयुक्त राष्ट्र, सी G20 ग्रुप या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दुनिया के महासागरीय निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए कुआलालंपुर, बी प्रयागराज, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। ठीक है, तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आपका मार्च 2023 को कुआलालंपुर में हुआ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने। ऑप्शन ए अरुण सुब्रमण्यम, बी जूलिए मैथ्यू, सी केपी जॉर्ज या डी सुरेंद्रन के पटेल। ठीक है, यानी कि ये भारतीय भी हैं, या तो भारतीय मूल के रहे होंगे, अमेरिका में रहने लगे हैं तो भारतीय मूल अमेरिकी न्यायाधीश बोल रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना। ऑप्शन ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क या डी स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है, डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ। ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी जोधपुर या डी झुंझुनू। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र एक द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास भारत में जोधपुर सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसके अनुसार भारत में 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच हथियारों की खरीद में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ये भारत के विषय में बात हो रही है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है कि अभी भी भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है ये बताना है।
ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हम पहले अपना आंसर, ये दोनों कथन चेक कर लेते कि क्या इसमें से सही है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के एक अध्ययन के अनुसार 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच हथियारों की खरीद में 11% की गिरावट के बावजूद भारत अभी भी सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। देखो, गिरावट का एक कारण ये भी हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब काफ़ी चीज़ें अब भारत में ही उनका निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से हो सकती है गिरावट आई हो। लेकिन ऑप्शन जो है आपके वो दोनों ही सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है।